गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन चल रहा है, और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग आर्टिकल नंबर 5 देखेंगे, मीन्स पांचवें आर्टिकल को करेंगे। और आज की आर्टिकल की टॉपिक है अ विजिट टू अ जू, और ये आर्टिकल यूपी बोर्ड 2022 की एएन सेट में पूछा गया आर्टिकल है। और इस 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आर्टिकल की आपकी 4 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 5वीं क्लास है। इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9-10th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ए क्लास प्री प्लस पेड बेस दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है, शाम 6:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास की तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब बच्चे यहाँ पर देखिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में कुछ इस तरह से पूछा गया था। देखिए क्या लिखा गया है, राइट एंड आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए ऑन द विजिट टू अजू। विजिट टू अजू मीन्स हो जाएगा, विजिट मीन्स होता है यात्रा, टू अजू मीन्स चिड़ियाघर, चिड़ियाघर की यात्रा के बारे में एक आर्टिकल लिखिए इन अबाउट 60-80 वर्ड्स। और शब्दों की लिमिट आपको कितनी रखनी है, 60-80 शब्दों के बीच में आपको आर्टिकल लिखने हैं। और यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, और हिंट्स में देखिए आपकी पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय आपको लिखना है, दूसरी हेडिंग लिखनी है व्हाट इज जू मीन्स चिड़ियाघर क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है, तीसरी हेडिंग है विजिट टू दी जू मीन्स चिड़ियाघर की यात्रा के बारे में लिखना है, और जो है चौथा आपका टॉपिक है सीन एट जू मीन्स जू में जो आपने दृश्य देखे उन दृश्यों के बारे में आपको चौथे टॉपिक में लिखना है, और पांचवा टॉपिक है आपका कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं उस जू को देखने के बाद आपको कंक्लूजन में लिख देने हैं। तो इन 5 टॉपिक पे आपको जो है इस आर्टिकल को लिखना है। अब जल्दी से हम लोग आर्टिकल पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे, हमने ऊपर हेडिंग डाल दिए हुए हैं अ विजिट टू अ जू, ऊपर हेडिंग डाल दिए, और नीचे देखिए आपका पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या दिखाएंगे, सिंपल सी बात, क्योंकि जू के बारे में तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि नीचे हेडिंग दे दिए हुए हैं व्हाट इज जू, आपको सेकंड हेडिंग में उसे आपको लिखना है जू के बारे में। अब यहां पर आप इंट्रोडक्शन में ये चीजें बता सकते हो कि आप जो है चिड़ियाघर में गए थे और कब गए थे, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो आप दे सकते हो, मीन्स थोड़ा सा आप जो है परिचय बता सकते हो। जैसे यहां पर हमने लिखे हुए हैं इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में, देखिए क्या लिखे हुए हैं, लास्ट संडे मीन्स पिछले रविवार को आई विथ माय फ्रेंड्स, मैं विथ मीन्स साथ में, माय फ्रेंड्स मीन्स अपने दोस्तों के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ वेंट टू विजिट दिल्ली जू, दिल्ली के जू में गया, दिल्ली के चिड़ियाघर में गया, मीन्स पिछले संडे को मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के चिड़ियाघर में गया। इट इज नियर, यह नजदीक है प्रगति मैदान मीन्स प्रगति मैदान की, और यह चिड़ियाघर प्रगति मैदान के नजदीक में है। ये आपने इंटो बता दिया, आपने जो है परिचय थोड़ा सा दे दिया कि आप किस जू में गए थे और वह जू कहाँ पर स्थित है, ये आपने बता दिया। अब सेकंड हेडिंग चूंकि दी हुई है व्हाट इज जू, जू होता क्या है मीन्स चिड़ियाघर है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। अब चिड़ियाघर के बारे में लिखना होगा कि होता क्या है। अब यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं जू इज अ पार्क, जू एक पार्क है, एक उद्यान है, वेयर जहां पर मेनी काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जहां पर बहुत सारे प्रकार के, काइंड्स मींस हो जाएगा प्रकार ऑफ वाइल्ड, वाइल्ड मींस हो जाएगा जंगली एनिमल्स जानवर, जहां पर बहुत सारे जो है बहुत सारे प्रकार के जंगली जानवर आर किप्ट मींस उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें रखा जाता है, सो दैट ताकि
पीपुल कैन लुक एट देम, ताकि लोग उन्हें देख सकें, एंड और वेयर दे आर ब्रीड, जहां पर उनका जो है ब्रीड भी किया जाता है, मीन्स नए जो है जानवरों को भी वहां पर पैदा किया जाता है, ब्रीड आपका वही होता है, एंड प्रोटेक्टेड, और उन्हें क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। अब जाहिर सी बात है, जू में जितने भी जानवर होंगे उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा ना, तो ये आपने डिफिनेशन इसमें लिख दिए। व्हाट इज जू में आपने क्या कर दिए, डिफिनेशन लिख दिए कि जू एक्चुअल में होता क्या है। तो सिंपल से क्या हो गया, जू ऐसा स्थान होता है जहां पर बहुत सारे प्रकार के जंगली जानवरों को रखा जाता है, ताकि लोग उसे देख सके और उनका ब्रीड किया जा सके और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके, उन जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये प्याची आपने व्हाट इज जू में क्या कर दिए, लिख दिए। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड हेडिंग तक। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरी हेडिंग में। यहां पर देखिए प्याची आपका तीसरी हेडिंग दी हुई है, विजिट टू द जू, मींस जो आप जू की यात्रा पे गए, चिड़ियाघर की यात्रा पे गए, इसके बारे में दो लाइन लिखना है। अब देखिए हमने क्या लिखी हुई है, वी बॉट टिकट्स, हमने टिकट से खरीदे, एंड वेंट इनसाइड, और अंदर गए, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जू के अंदर सब कुछ कैसा था, बहुत रुचिकर था, इंटरेस्टिंग मींस हो जाएगा रुचिकर, सारी चीजें बहुत रुचिकर थी। तो ये आपने विजिट टू दी जू में लिख दिया, मींस जू की यात्रा पे लिख दिया, क्योंकि जो है इसमें अंदर की सारी चीजों को अभी नहीं दिखा सकते, क्योंकि चौथी हेडिंग देखी दी हुई है, सीन एट जू, जू में जो दृश्य आपने देखी हुए हैं उसे आपकी चौथी हेडिंग में लिखना है। तो इसलिए हमने जो है इस थर्ड हेडिंग में थोड़ा सा ही दिखाए हुए हैं, क्योंकि आपकी फोर्थ हेडिंग लंबी होगी, आपने जू में जो भी सारी चीजें देखी हुई हैं उन सारी चीजों को आपको इसमें लिखने हैं। तो ये आपका थर्ड हेडिंग हो गया, विजिट टू दी जू में। अब हम लोग फोर्थ हेडिंग पे चलते हैं, फोर्थ हेडिंग है आपका सीन एट जू, मींस जू में आपने जो दृश्य देखा, सीन मींस होता है दृश्य, एट जू, जू मींस हो जाएगा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में दृश्य। अब चिड़ियाघर में जो भी आपने दृश्य देखा है उसके बारे में आपको इस टॉपिक में लिखने हैं। और जल्दी से प्यारे सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी बच्चे इस समय लाइव हैं सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास टेंथ के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि इस समय इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कोई भी क्लास छूटने ना पाए। तो प्यारे अच्छे ई हो गया आपका जो है, क्या हो गया। अब फोर्थ टॉपिक में देखिए हमने क्या लिखी हुई है, सीन एट जू, जू में आपने क्या क्या चीजें देखे, आप यहां पर देखिए लिखी हुई है, वी सॉ सम एनिमल्स, हमने कुछ जानवरों को देखा, एंड बर्ड्स, और कुछ पक्षियों को देखा, इन केजेस मींस पिंजरों में, पिंजरों में हमने कुछ जानवरों और पक्षियों को देखा, एट फर्स्ट मींस शुरुआत में, वी वेंट, हम गए, टू सी मींस देखने के लिए, द एनिमल सेक्शन मींस जानवरों के सेक्शन में, पहले हम जानवरों के सेक्शन में जो है, सेक्शन मींस हो जाएगा भाग, जानवरों की भाग में देखने के लिए गए, जैसे आपका स्कूल का सेक्शन नहीं होता, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे नहीं होता, क्लास आपकी डिवाइड होती है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो है जानवर के सेक्शन की बात हो रही है। तो एट फर्स्ट शुरुआत में, वी वेंट, हम गए, टू सी देखने के लिए, द एनिमल सेक्शन मींस जानवरों के सेक्शन में देखने के लिए गए, वी सॉ मेनी एनिमल्स, हमने बहुत सारे जानवर देखे, सच एज, जैसे, जैसे अब कौन कौन से जानवर हैं, जैसे यहां पर देखिए लायंस, शेर को हमने देखा, टाइगर्स, बाघ को देखा, मंकीज, बंदरों को देखा, लेपर्ड्स, तेंदुओं को देखा, स्लॉग्स, स्लॉग को देखा, स्लॉग एक जानवर होता है, जेब्रास, जेब्रा को देखा, ईटीसी मींस इत्यादि, इत्यादि जानवरों को हमने क्या किया, देखा, वी बीकेम, हम हो गए वेरी हैप्पी, मींस बहुत प्रसन्न हो गए, टू सी मंकीज, मंकी को देख करके, बंदर को देख करके, जंपिंग मींस उछलते हुए, बंदर को उछलते हुए देख करके हम सब बहुत खुश हो गए, वी मींस है हम मींस हम सभी की बात हो रही है, जितने ये गया है और इसके दोस्त गए हुए हैं सभी की बात हो रही है, तो वी बीकेम वेरी हैप्पी, हम सभी बहुत प्रसन्न हो गए, टू सी मंकीज जंपिंग, मींस बंदरों को उछल कूद करते हुए देख करके हम सभी बहुत प्रसन्न हुए, वी रोड, हमने जो है सवारी की, ऑन एलिफेंट मींस हाथी पर, हमने हाथी पर क्या किए, सवारी की, रोड मींस हो जाएगा सवारी करना, हमने हाथी की सवारी की, देन उसके बाद वी सॉ द बर्ड सेक्शन, हम चिड़ियों को सेक्शन में गए, चिड़ियों के भाग में गए, वी सॉ, हमने देखा, पीकॉक्स, मोर को देखा, पैरोट्स, तोते को देखा, पिजन्स, कबूतरों को देखा, एंड मेनी अदर बर्ड्स, और बहुत अन्य सारी चिड़ियों को देखा, बर्ड्स में से जाएगा चिड़िया, और बहुत अन्य सारी चिड़ियों को मैंने हमने क्या किया, देखा,
They all looked, वे सभी दिख रही थी, very nice means बहुत अच्छी, वे सभी कैसे दिख रही थी, बहुत अच्छी दिख रही थी, means जितना चिड़िया थी, सभी चिड़िया बहुत अच्छी दिख रही थी। तो जो भी आपने देखा था, जो भी जाकर के उन सारी चीजों को हमने इसमें दिखा दी भी है। और अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, आप किसी जू में गए होंगे, पर्सनल अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और जैसे हमारी यूपी के बच्चे हैं, तो यूपी के जितने भी बच्चे हैं, उम्मीद करते हैं सभी जो है लखनऊ की जू में गए होंगे, जो लखनऊ का जू चिड़ियाघर है, वहां पर उम्मीद करते हैं सभी बच्चा पार्टी गया होगा, नहीं गया होगा तो कभी जाना, तो वहां पर आप देख लोगे कैसे कैसे होती हैं चीजें, ठीक है। तो ये हो गया। और भैया हम नहीं गए हैं, केवल सुने हैं, ठीक है, तो हम कभी जाएंगे तो देखेंगे। तो आगे चलते हैं, अभी तक मूवी में हम देखे हैं, मूविया में जो दिखाता है ना, वही मूवी में देखे हैं अभी तक, ठीक है। तो अब चलते हैं अच्छी पांचवी और अंतिम टॉपिक पे चलते हैं। पांचवा अंतिम टॉपिक है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, जो आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं या फिर जो आपने बताया, फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं, उस चीज को आपको इसमें लिखने हैं। मीन्स आपने जो जू में गए और जू में जा करके जो भी सारी चीजें जो आपने देखा, सारी चीजों का निष्कर्ष आप क्या निकालना चाहते हैं, क्या फाइनली आप कहना चाहते हैं, उस टॉपिक को हम किस में रखेंगे, कंक्लूजन वाले सेक्शन में रखेंगे। अब देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, वी गॉट मच जॉय, हमने बहुत आनंद प्राप्त किया, बहुत आनंद लिया, टू सी दी जू मीन्स चिड़ियाघर को देख करके, चिड़ियाघर को देख करके हमने बहुत आनंद लिया। दी जू इज वेरी लवली प्लेस, मीन्स जू बहुत प्यारा स्थान होता है, सुंदर स्थान होता है। आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। तो ये मैंने हमने अपने विचार को लास्ट में बता दिए, तो ये आपने कंक्लूजन में लिख दिए। तो बच्ची ये आपका छोटा सा बेहतरीन सा आर्टिकल हो गया, क्योंकि शब्दों की लिमिट 60 से 80 दी हुए हैं, हमने ये शब्द आप काउंट करोगे तो 80 के एबव ही गए होंगे, 80 से कम तो नहीं होंगे, और इससे भी ज्यादा आप लिख सकते हो, 100 वर्ड तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 100 क्या 120 वर्ड तक आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका टॉपिक दिया हो, उस टॉपिक में आप जो है आप ऐसे वर्ड्स को लिमिट कर सकते हैं, मीन्स बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 60 वर्ड में आपको लिखना है, ऐसी कोई बात नहीं। तो भी अच्छी ये आज की क्लास हो गई, और आज की ये क्लास शाम 7:30 बजे थी, और कुछ क्लासेस, 1-2-3 क्लासेस और जो है आपको जो है इसी तक टाइमिंग मिलेंगी, मीन्स 2-3 दिन तो लगातार इसी टाइमिंग में आपको दोनों क्लासेस मिलने वाली हैं डेली, शाम 6:30 बजे भी मिलने वाली है और शाम 7:30 बजे भी मिलने वाली है, जैसा कि हमने आपको पहले ही इसके पहले वाली क्लास में आपको बता दिए हुए थे। तो 2-3 दिन की क्लास में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका शाम 6:30 बजे वाली क्लास, वैसे आपका ये टॉपिक भी जो है 2-4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो जल्दी कंप्लीट करना है, तो इसलिए जो है 2 क्लासेस लगा दी गई हैं, शाम 6:30 बजे और 7:30 बजे, तो आप दोनों क्लास को डेली अटेंड करिए। बाकी जो पेड क्लास के बच्चे हैं, तो पेड क्लास के बच्चों की तो 4-4 क्लास इस समय हो जा रही है, सुबह 2 क्लास शाम को 2 क्लास हो जाएगी, तो 4 क्लास उन बच्चों की हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा क्लासेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपका रिविजन अभी करना है, रिविजन सीरीज शुरू करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू करना, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा क्लासेस की संख्या बढ़ा दी गई है। तो बच्चे और आपको टारगेट भूलना नहीं है, इंग्लिश में आपको इस बार 100 out of 100 marks लाने हैं, इसलिए कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत होनी चाहिए, ये आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हो गई, अब क्लास की समाप्ति यहीं पर करेंगे, जितने भी बच्चे जो है चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, और कुछ जो है पहले पेड क्लास के बच्चे अब जा सकते हैं, बाकी जो बच्चे पेड क्लास के नहीं बच्चे हैं उन्हें एक बार एडमिशन प्रोसेस बता देते हैं, फिर उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो बच्चे पेड क्लास की फैसिलिटीज यहां पर लिखी गई हैं, पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पीडीएफ आपको क्लास का प्रोवाइड किया जाता है, डाउट्स क्लासेस दी जाती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा, पूरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिविजन सीरीज देखने को मिलेगी, ये वो रिविजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे, और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 out of 100 marks के लिए पूरी तरह से तैयार करना, और फीस जो है 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच आपकी फीस 499 से कम करके 399 रुपए कर दी गई है,
और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड का स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चा पार्टी को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। समय, विश्वास और सम्मान, यह ऐसी पक्षी है उड़ जाए तो वापस नहीं आते हैं। तो इसलिए प्यारे, अभी आपके पास बोर्ड परीक्षा में समय बचा है, मेहनत करो ताकि आप अपने माँ बाप के नाम को रोशन कर सको। इतनी जो है शानदार आपकी मेहनत होनी चाहिए, तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।